माइक म्यूट कर दे भाई अपना सब लोग। तो वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक चेंज ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, है ना, चेंज ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन लॉस, ट्रांसफॉर्मेशन लॉस। तो कंसेप्ट वॉज सिंपल, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट, सम यू वन डैश यू टू डैश, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस यू वन यू टू इन द न्यू कोऑर्डिनेट्स यू वन डैश यू टू डैश, देन वी विल सी दैट वॉट is the relation between different type of quantities. So now your R is surface question of a surface which was u1 u2, it can be represented as R of u1 dash u2 dash in some new coordinates u1 dash u2 dash some point P. So u r which was earlier u1 u2, now this I can represent in terms of u1 dash u2 dash. This, so first formula we derive for r I dash, because for finding anything I will be needing r1 r2. So we find firstly R1 Ri dash, or you can say R1 dash. So R1 dash will be what? Del R over del U1 into del U1 over del U1 dash plus del R over del U2 into del U2 over del U1 dash. Now ये किसकी value निकाली थी मैंने? It was the value of del R over del U1 dash. Similarly, you can find your R2 dash. That means del R over del U2 dash, which will be this sub R vector hai, sub R you are having this. That means you can find similarly R of 2 dash. If suffix mein likha hai, to it represents derivative. So, ye bhi by the chain formula you can write del R over del u1 del u1 over del u2 dash plus del r over del u2 into del of u2 over del of u2 dash. Yeah, isse agar main I ke terms mein likh do to I can write r of I dash is equal to r I डेल ऑफ यू आई. देखो यहाँ पे है ना, देखिए फॉर्मूले में आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर तो डेल यू वन है, तो डेल आर आई लिखा डेल आर, और यहाँ पर क्या है डेल यू वन ओवर यू वन डैश. तो क्या आएगा डेनोमीटर में, वन डैश का मतलब डेल ऑफ यू आई डैश. तो इट इज द फर्स्ट फॉर्मूला. आई इज रनिंग फ्रॉम वन टू टू, ठीक है ना, और आई डैश इज आल्सो रनिंग फ्रॉम वन टू टू. आई डैश इज आल्सो रनिंग फ्रॉम वन टू टू. जब आप यहाँ पर रन कराएंगे, पहले आई को वन ले लीजिए, फिर आई डैश को रन करा दीजिए, फिर आई को टू ले लीजिए, फिर रन करा दीजिए. जब आप आई डैश को वन लेंगे तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला मिलेगा. वेन यू विल टेक आई डैश टू, देन इट विल बी गिविंग यू द सेकेंड रिलेशन. इसे मैं इक्वेशन वन कर दिया. यहां तक क्लियर है ये?
यस ठीक है, ये हमने कल करा था। बताइए पराग वाष्ण में, पराग यस ठीक है। तो मैंने वो आपको बताया कि इफ यू विल सी हेयर दैट इट हैज वन पैटर्न दैट इज बेसिकली कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू हैव आई डैश इन द सफिक्स सो ऑन द राइट हैंड साइड आई डैश टर्म कमिंग इन द डेनोमिनेटर ना, आई डैश इन द सफिक्स सो आई डैश इन द डेनोमिनेटर। सेम थिंग विल बी हैपनिंग फॉर जी आई डैश जे डैश। इफ आई फाइंड जी आई डैश जे डैश फर्स्ट कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म्स सो यू कैन फाइंड जी आई डैश जे डैश। सो इट्स फॉर्मूला इज आर आई डैश डॉट आर जे डैश, इट इज अ फॉर्मूला फॉर आर आई जे एंड आर आई डैश आई आर जे डैश यू कैन पुट फ्रॉम इक्वेशन वन दिस। सो आई कैन राइट आर आई डैश एज आर आई डॉट डेल यू आई ओवर डेल यू आई डैश इन टू आर जे डॉट डेल यू जे ओवर डेल यू जे डैश और बाई अरेंजिंग द टर्म्स आर आई डॉट आर जे यू कैन राइट हेयर सो इट विल बिकम जी आई जे एंड डेल यू आई ओवर डेल यू आई डैश डेल यू जे ओवर डेल यू जे सो इट विल बी द वैल्यू ऑफ जी आई डैश जे डैश। सो इट इज द रिलेशन बिटवीन the coefficients of first fundamental forms. It is your second equation. And here also, you will see that it is following the same law of transformation. I dash j dash in the suffix on the left hand side and the terms of dash j dash is in the denominator on the right hand side. Okay. Now I will find transformation law for the superscript. Of GIJ. GIJ superscript ka formula bhi hai paas hai. So now we find the transformation law for GI dash GS. Yeah, for GIJ. Now, iska transformation law kya hoga? G superscript. So, देखो इसके लिए आई विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रोनिकल डेल्टा। वी नो दैट क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, इफ यू हैव सेम डमी सफिक्स सपोज जी आई डैश जी डे डैश एंड जी जे डैश के डैश सो दिस इज द डमी सफिक्स जे डैश एंड जे डैश दिस आई कैन राइट क्रोनिकल आई डैश के डैश ये इसकी वैल्यू होती है ना, जो सेम होता है इसको हम क्रोनिकल में नहीं लिखते, क्या लिख देते हैं क्रोनिकल आई डैश के डैश और ये आपका वही है दिस इक्वल टू वन इफ आई डैश इज इक्वल टू के डैश एंड इट इज जीरो इफ आई डैश इज नॉट इक्वल टू के डैश इट इज क्रोनिकल डेल्टा। यू नो दिस थिंग बताइए। Yes, sir. I know. So here in tensors, when you are doing this indices calculation, we use this term, canonical delta. J dash same. So we write canonical whenever you have some indices where two indices are becoming same. I can write always write del canonical delta I dash J dash. So now I want to find this. तो जो हमें G superscript निकालना है ना उसका formula मैं derive करूंगा 2 से, क्योंकि 2 मेरे पास already है subscript में and you know there is a relation between G subscript and G superscript. So here if I am multiplying by this G I dash जे डैश की मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन टू में तो क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास बन जाएगी यही क्रोनिकल डेल्टा और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, आई एम राइटिंग फर्स्ट ही राइट हैंड साइड सो टू
2 implies I am multiplying by this term. So firstly, I am writing the right hand terms. So right hand terms में क्या हो जाएगा? G I dash J dash into G. देखो यहाँ पर अगर मैं आई जे की जगह जे के लिखूं, इसको हम सफिक्स को एक साथ चेंज कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं जे के करूंगा तो यहाँ पर भी आपके पास इसे क्या लिखूंगा, मैं जे के लिख लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये आपका सबमिशन का साइन। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे डैश इंटू डेल यू के ओवर डेल यू के डैश, सबमिशन है। यहाँ जे के लिखा, यहाँ जे आ जाएगा। एंड दिस विल इक्वल टू हाउ मच, देखिए G I dash J dash into I dash J dash, ये क्या है, ये आपका canonical I dash J dash है ना, ये जो भी लिखा। So that means you got, so that means we have, mic mute करो भाई आप अपना, आरिश खान mute your mic। So that means I can write G I dash term को दोबारा लिख। So you have G I dash J dash G of J K del U J over del U J dash del U K over del U K dash is equal to canonical I dash J dash, ये टर्म्स हमारे पास आ गए। अब देखो, अब ध्यान रखना, हमें फॉर्मूला निकालना है G I dash J dash का। So if you want to derive the formula of this, हमें क्या करना है, I will shift all these things, ये हमें shift कहाँ करना है, right hand side में। तो इसमें how we shift the terms to, इसे ऐसे divide नहीं कर देंगे, है ना, I will shift term by term this thing to the right hand side। तो यहाँ पर आपके पास G I dash J dash आ जाएगा left hand side में, और right hand side में you will be getting the formula of this। So firstly I will shift this term। इसे कैसे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे वी यूज द टर्म ऑफ क्रोनिकल डेल्टा फॉर शिफ्टिंग योर दिस टेंसर नोटेशंस, है ना, योर दिस डेरिवेटिव्स। क्या करते हैं देखिए, आई विल मल्टीप्लाई, यहाँ ऐसे डिवाइड नहीं कर देंगे हम, यहाँ पर क्रोनिकल डेल्टा का टर्म लाते हैं और फिर रिमूव करते हैं धीरे धीरे। यहाँ क्रोनिकल डेल्टा कब आएगा, तो डेल यू के ओवर पहले इस टर्म को शिफ्ट करना है मुझे, तो मैंने मल्टीप्लाई करा डेल यू के डैश अपॉन सम डेल यू एम से, सपोज दिस ऑन बोथ साइड्स। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और एक हमने रिजल्ट यूज किया, एंड यूजिंग द रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स यूज किया, देखो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पे आपके पास क्या टर्म बनेगा, है ना, ये पूरा इनटू मेनली डेल यू के ओवर डेल, ये कितना है, डेल यू के डैश, डेल यू के डैश है, डेल यू के ओवर डेल यू के डैश इनटू ये, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ये बताओ, फिर इंडिसेस सेम होगा तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, बोलिए, इफ यू आर इंडेक्सेस आर सेम, क्या इसे क्या लिख सकता हूं मैं क्रोनिकल के टर्म में, एनीवन कुछ बताइए, अगर आती बोलिए कुछ तो बोलो भाई, लिख सकते हैं डेल के क्रोनिकल डेल्टा के डैश एम, क्रोनिकल डेल्टा के एम, के एम, के एम लिख सकते हैं ना, क्योंकि के डैश जब सेम इंडेक्सेस बन जाता है, so you can write canonical delta km, okay, and तो ये तो आपका ये, तो जब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो टर्म आएगा ये तो ये बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया आपने, राइट हैंड साइड में क्या होगा देखिए, राइट हैंड साइड में यू हैव डेल यू के डैश अपॉन डेल यू एम इंटू canonical delta i डैश k डैश। अब ये क्या होगा, जब मैं आई डैश के डैश सेम कर दूंगा तो ये चीज वन हो जाएगी, अदरवाइज जीरो। तो अगर आई डैश के डैश सेम करूँ, इसका अलग क्या हुआ, के डैश को अगर मैं आई डैश कर दूँ तो कैन आई राइट इज इक्वल टू डेल ऑफ यू आई डैश अपॉन डेल यू, है ना,
क्योंकि जब जीरो, तो दिस वैल्यू पे इन दोनों रिजल्ट को हम यहाँ अप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करके. व्हाट विल हैपन, सो वी गेट जी आई डैश जे डैश फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू जी जे के डेल यू जे ओवर डेल यू जे डैश डेल यू के ओवर डेल यू के डैश. और इसमें हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं डेल यू के डैश अपॉन डेल यू एम. दिस इक्वल टू यू हैव डेल यू के डैश अपॉन डेल यू एम इंटू क्रोनिकल डेल्टा आई डैश के डैश, है ना. अभी तो ये टर्म, अभी तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है ये, और अब ये दोनों रिजल्ट लगाते हैं अगर, इट विल बिकम हाउ मच. दिस आई कैन राइट जी आई डैश जे डैश. So this implies that you have G I dash J dash G of J K del of U J over del of U J dash. और ये term कितना बन गया, canonical K M, है ना. And here how much you got, इसकी value क्या आई थी, del U I dash upon del u m. बताइए. So here you see के here you your first term is removed and is shifted to right hand side in different way. यहाँ आ गई term, ये एक कम हो गया, है ना. हमें क्या करना है, अब next term को shift करना है ऐसे ही, और फिर जी जे को shift करेंगे. यहां तक क्लियर है? Yes sir. अब अभी क्रोनिकल तो बाद में आपका, क्रोनिकल तो बाद में आपका वन बन जाता है, उसकी प्रॉब्लम. अब मुझे इस टर्म को शिफ्ट करना है उधर, तो नाउ आई विल मल्टीप्लाई अगेन, या पहले आप चाहे तो इसे शिफ्ट कर ले, चलो पहले जेके को शिफ्ट कर लो, डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं आप. सपोज आई वांट टू शिफ्ट नाउ दिस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं इसे करना है, आई वांट टू शिफ्ट सपोज जी जे के, तो जी जे के को शिफ्ट करने के लिए क्या करना है, फिर मुझे क्रोनिकल लगाना होगा. तो सपोज नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग बाय थ्री बाई Now multiplying both sides of 3 by, तो क्रोनिकल लाने के लिए जब होता है, जब हमारे पास जो न्यूमेरेटर में है अगर, तो हमें कुछ डिनोमिनेटर में लाना होता है, तो मैंने यहाँ पर जी एम थोड़े से यार जी एम एन, ठीक है, जीएमएल ले लिया. इससे क्या होगा देखिए, अभी आप इसे एक बार समझ लेंगे तो फिर आप आगे इसे आराम से कुछ कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम है तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट. मल्टीप्लाइंग थ्री बाई जी एम एन वी गेट, जब आप जी एम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका यू विल बी गेटिंग द टर्म्स. आई गॉट जी आई डैश जे डैश जी जे एम से हमने मल्टीप्लाई किया इसमें, तो यू हैव यहाँ जे के, है ना. तो जे के है. अब अगर मुझे एम एन, देखो एम एक सफिक्स सेम लाना है, तो आई कैन राइट, यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं एक साथ. तो जे के को अगर मैं मान लो जे एम कर दूं यहाँ पे, सपोज जे एम, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी एम एन से, तो यहाँ पे अगर आपने जे की एम की के की जगह एम किया तो क्या होगा, और यहाँ पे भी सब जगह एम कर देंगे, इतना ही फर्क पड़ेगा. और के को जब आप एम करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये बन जाएगा वन, है ना. यस सर. और क्या रह जाएगा, सिर्फ डेल यू जे ओवर डेल यू आई यू जे डैश, है ना. भाई के इज इक्वल टू एम पे इट विल बिकम के, इस टर्म में सिर्फ यहाँ के था तो यहाँ एम कर दिया हमने, तो यू हैव जी जे एम डेल यू जे अपॉन जे डैश इट इज वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज, लेकिन हमने जी एम एन से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर जी एम एन एंड डेल यू आई डैश अपॉन, और क्या है नीचे, डेल यू एम, ये आ गया. अब देखिए अगेन दिस टर्म, ये क्या है बताइए,
क्रॉनिकल डेल्टा एनजे एनजे है ना, ये बन गया। और डेल यूजे ओवर डेल यूजे, तो देखिए आपने अब क्या हुआ कि यहाँ का जो टर्म था वो क्रॉनिकल में चेंज हो गया और यहाँ से ये शिफ्ट होकर इधर चला गया, सब स्क्रिप्ट की जगह सुपर स्क्रिप्ट में आ गया, बस ये तो हुआ है। तो शिफ्ट करने के लिए हमने क्या करा, इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि वहां पर सबस्क्रिप्ट में था तो हमने सुपर स्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ सुपर स्क्रिप्ट होता तो सबस्क्रिप्ट से करते ताकि क्रॉनिकल डेल्टा आए। क्रॉनिकल डेल्टा जब आता है जब डमी सफिक्स आते हैं, डमी कब आते हैं, जब सेम आपका इंडिसेस न्यूमेरेटर में हो और डिनोमिनेटर में हो, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट हो सबस्क्रिप्ट हो। तो दिस इक्वल टू जी एम एन डेल यू वाई डैश ओवर डेल यू एम। अब यहाँ पर भी देखो, अगर जे को मैं एन कर दूं यहाँ पर तो ये वन बन जाएगा ना, इसको भी तो हटाना है हमें, तो जे इज इक्वल टू क्या करते हैं यहाँ जेड डैश, जे इज इक्वल टू एन कर दूं अगर, तो नेक्स्ट टर्म में यू कैन राइट जी आई डैश जे डैश डेल यू एन अपॉन डेल जे डैश। हाँ ये वन बन गया, क्योंकि हमें क्रॉनिकल को हाथों हाथ रिमूव कर देना होता है, रिमूव मतलब चेंज टू वन। दिस इक्वल टू जी एम एन डेल यू आई डैश ओवर डेल यू एन, सो यू गॉट दिस। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ एक टर्म रह गया, इसे और शिफ्ट करना है बस, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जी सुपर स्क्रिप्ट या अपर स्क्रिप्ट आई डैश जी डैश। अब क्या करें देखिए, नाउ अगेन आई विल मल्टीप्लाई बाई सम डेल टर्म, तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई, चाहे तो जे डैश से कर दिया आप या किसी न्यूज से कर दें, बाद में चेंज कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बाई, क्योंकि हमें क्या शिफ्ट करना है अब यहाँ पर, ये आपके पास यू आर टू शिफ्ट दिस, हमारे पास डैश का टर्म तो एन यहाँ पर है, तो आई विल मल्टीप्लाई बाई सम डेल यू के डैश अपॉन डेल यू एन एन, तभी तो आएगा ये यस बोथ साइड। So we get, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो क्या आएगा, जी आई डैश जे डैश, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, इनटू डेल यू के डैश अपॉन डेल यू एन इज इक्वल टू जी एम एन डेल यू आई डैश अपॉन डेल यू एम इनटू डेल यू के डैश अपॉन डेल यू एन। अब नाउ व्हाट इज दिस टर्म, दिस टू टर्म्स बताइए, डेल यू के डैश अपॉन डेल यू जे, हाँ तो ये कितना बन गया, क्रॉनिकल बन गया ना, यस कैंसिल नहीं होता, क्रॉनिकल बनेगा ये, तो कितना हो गया क्रॉनिकल के डैश के जे डैश, सॉरी यहाँ जे डैश था, ये के डैश जे डैश, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड में देखो ये सब डिफरेंट है, तो इसमें कुछ नहीं बनेगा क्रॉनिकल, आई डैश एम के डैश, इसे एज इट इज लिख लो, इसको एज इट इज लिख लिया हमने, आई डैश अपॉन डेल यू एम एंड डेल यू डैश अपॉन डेल यू एम, ठीक है। अब ये क्या है, जे डैश के डैश, तो जे डैश इज इक्वल टू के डैश कर दूंगा यहाँ पर, ये वन बन जाएगा है ना, फॉर्मूला आपको इनफैक्ट मिल गया, यू गॉट द फॉर्मूला, सो दैट मींस जे डैश को के डैश से रिप्लेस करेंगे इट विल बिकम वन, सो हेंस जी ऑफ आई डैश के डैश इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर हमने आई डैश तो नहीं करा, जे डैश को चेंज किया, राइट हैंड साइड एज इट इज इक्वल टू जी एम एन डेल यू आई डैश अपॉन डैश यू आई डेल यू एम था, सॉरी डेल यू एम एंड डेल यू के डैश अपॉन डेल यू एन, और यू कैन राइट अगर अब मैं के को जे से रिप्लेस कर लूँ तो जी आई डैश जे डैश इज इक्वल टू एम एन को आई जे से कर दें, क्योंकि हम आई जे में लेके चलते हैं, इसलिए इसे भी छोड़ सकते हो, क्या हुआ जी आई जे डेल यू आई डैश अपॉन डेल यू आई और डेल यू डेल ये डैश अपॉन डेल यू जे, इट इज द फॉर्मूला फॉर दिस जी आई डेज, इट इज क्वेश्चन। इसमें भी अगर आप देखें
on the left hand side your dash term is on the superscript, so on the right hand side your dash term is on the numerator, hai na, numerator mein aa raha. Yes sir. Agar ye subscript mein hota to yahan pe ye denominator mein aa rahe hote. So the it is the transformation law, they are following this law transformation. मतलब सर GIJ जो हुआ सर वो कंट्रावेरिएंट वेक्टर हुआ सर. नहीं GIJ तो आपके पास क्योंकि सर ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो कर रहा है. कंट्रावेरिएंट लॉ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसमें? उसमें यही होता है सिंपल, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि जो सबस्क्रिप्ट में जो होता है मतलब डैश में वो इस साइड में भी ऊपर में ही जी. आपके पास एक टेंसर पेपर भी तो कुछ लोगों ने चूज किया होगा. यस सर. आप पढ़ रहे हैं? यस सर. हाँ तो वहां पर भी ये चीजें कुछ आ जाऊंगी. टेंसर पेपर आपका ऑप्शनल है शायद वो टेंसर. यस सर. यस. हाँ तो वहां पर आपने चीजें पढ़ी होंगी. यस. So now, so you got RI, you got G, है ना? हमारे पास तीन फॉर्मूलेज आए अभी तक. एक हमने RI dash का लॉ ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया. सेकेंड वी गॉट GI dash J dash सुपरस्क्रिप्ट. थर्ड वी गॉट GI dash J dash सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट वो सबस्क्रिप्ट था. नाउ फॉर टेंजेंट वेक्टर, व्हाट अबाउट टेंजेंट वेक्टर? सो इफ A इज एनी tangent vector to the surface, suppose surface if I am taking sigma r is equal to r u1 u2, so we know then A can be written as a linear combination of r1 r2. हमने देखा था any tangent vector can be written as a linear combination of ris, kyunki r1 r2 kya the, they are the tangent vectors and they are li, so they will generate a tangent plane. So any vector a, tangent vector a can be written as a linear combination of a1 r1 plus a2 r2. theek hai, ye baat pata hai aapko? bataiye. So now if I will change it in the new coordinate, now suppose if AI dash, this is the component of A in new coordinates, in new coordinates, then what will happen? Then ये जो हमने वेक्टर ए लिखा है ना, ये क्या आपका ए आई आर आई, ए आई इज द कंपोनेंट, दिस कैन बी रिटन एज ऑल्सो ए आई डैश आर आई डैश, ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए. ये कंपोनेंट्स हैं इसके, तो डैश में ये लिख देंगे आप. और दिस यू कैन राइट ए आई डैश, आर आई डैश की वैल्यू हमने निकाली थी, यू नो इट वाज कमिंग आर आई डेल यू आई ओवर डेल यू आई डैश, इट इज द वैल्यू ऑफ आर आई डैश फ्रॉम वन. तो और तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसे लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ले जाएं, यू हैव ए आई माइनस ए आई डैश डेल यू आई ओवर डेल यू आई डैश डॉट आर आई इज इक्वल टू जीरो. सो दिस मीन्स वॉट, अब आर आई कैन नॉट बी जीरो, दिस इज आर वन आर टू, सो दिस इंप्लाइज दैट ए आई इज इक्वल टू ए आई डैश डेल यू आई ओवर डेल यू आई डैश. और इसे इधर ले जाए हम, यू कैन राइट ए आई डैश इज इक्वल टू ए आई
del ui over, sorry, del ui dash over del ui. So it is the value of a tangent vector ai dash. And so here also it is following the same law of transformation, quantum Hodgkin law of transformation. तो इससे हमें क्या निकालना है बेसिकली, अब हमें निकालना है इनके बीच में a dot b, what is the ratio between a dot b. So you know if a and b are two tangent vectors, is it clear students? If a and b are two tangent vectors, then a dot b, this can be written as a dot b की value क्या आई थी, g i j a i dot b j, है ना, ये हमने formula निकाला है when you are having two tangent vectors. यहाँ b a तो वही आपके पास, b को भी you can write as a sum b j r j. b is a tangent vector, so it can be written as a linear combination of R1 and R2, B1 R1 plus B2 R2. So in terms of Gij, A dot B is this. ये formula होता है. So this will, now I want to find A dot B in terms of dash. So this will be how much? Gij. अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? Ai is how much? ये निकाला था हमने, Ai dash del ui over del ui dash into bj dash del u j over del u j dash. ठीक है, और इसको टर्म्स अरेंज करके आई कैन राइट दिस इक्वल टू जी आई जे डेल यू, एक साथ दे रहे हैं आप del u j over del u j dash a I dash into b j dash. Okay, और ये चीज क्या है आपके पास, a I dash है, देखिए भाई a I dash is what I can write. तो ये जो टर्म था जी आई जे, देखिए जी आई जे डेल यू आई ओवर डेल यू आई डैश डेल यू जे ओवर डेल यू जे डैश, इट इज व्हाट, जी आई डैश जे डैश. सेम थिंग हियर, हियर यू हैव जी आई जे डेल यू आई ओवर डेल यू आई डैश डेल यू जे ओवर डेल यू जे डैश. इस पूरे टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, जी आई डैश जे डैश, ये एज इट इज. सो व्हाट यू गॉट हियर, so that means a dot b is equal to g I dash j dash a I dash b b j dash. So this is the dot product in terms of new coordinates. ये क्या शो कर रहा है, इट इज कमिंग सेम, ए डॉट बी भी तो ये आया था आपके पास जी आई जे आई डॉट बी जे, ये क्या आ रहा है आई डैश जे डैश ए आई डैश बी जे डैश, है ना. इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं आई जे से, सेम फॉर्मूला है. सो इट मींस व्हाट, विच शोज दैट प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स remain invariant, remain invariant under any coordinate transformation. Any coordinate
ट्रांसफॉर्मेशन, बात समझ में आई भाई, इट इज कमिंग द सेम, तो प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स विल बी सेम इन वेरिएंट, इट इज कॉल्ड इन वेरिएंट. नाउ आई विल फाइंड एरिया. नाउ अगेन, तो फ्रॉम टू, टू आपकी क्वेश्चन थी जी आई डी वाली. अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लेगा, मुझे एरिया का फॉर्मूला निकालना, तो आई विल यूज द डिटरमिनेंट एरिया और चेक करेंगे कि एरिया क्या होगा अगर आपने कोऑर्डिनेट चेंज करे. तो व्हाट अबाउट एरिया फ्रॉम टू, डिटरमिनेंट ऑफ जी आई डैश जे डैश, इट विल बी हाउ मच, डिटरमिनेंट ऑफ जी आई जे, डिटरमिनेंट ऑफ डेल यू आई ओवर डेल यू आई डैश, डिटरमिनेंट ऑफ डेल यू जे ओवर. ये हमने डिटरमिनेंट, व्हाई आई एम टेकिंग डिटरमिनेंट, यू नो दे आर रिप्रेजेंटिंग मैट्रिसेस, ये सब मैट्रिसेस रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक मैट्रिक्स होगा, है ना. ओके, सो आई एम टेकिंग द डिटरमिनेंट ऑल टर्म्स. तो अगर इसको हम जी डैश नोट कर दें, तो यू कैन राइट जी डैश इज इक्वल टू, इसको हम जी से नोट करते हैं अगर आपको याद हो, डिटरमिनेंट ऑफ दिस जी डैश इज इक्वल टू जी, एंड व्हाट अबाउट दिस, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, देखो डेल यू आई ओवर डेल यू आई डैश, ये क्या होगा, डेल यू वन यू टू अपॉन डेल ऑफ यू वन डैश यू टू डैश, ये आएगी वैल्यू. देखिए तो इसके टर्म्स क्या आएंगे आपके पास, ये जैकोबियन फॉर्म में आएगा ना, तब इसको ओपन करेंगे तो जो ये टर्म आएगा यही सेम आपका यूजे हो जाएगा. जे में भी तो सेम ही है, यही इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि जब आपके सफिक्स आई और जे बोथ आर रनिंग वन टू टू, तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी. तो इट विल बिकम एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ u1 u2 अपॉन डेल ऑफ u1 डैश u2 डैश, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये दिस एंड दिस दे विल गिव यू द सेम टर्म. ओके, इसे आई कैन राइट इन दिस जैकोबियन फॉर्म. बताइए बोलो भाई, यस नो, यस सर. हाँ, ये इसका जैकोबियन, ये आपने जो लिखा ना, ये डेल यू आई क्या है, डेल यू वन ओवर डेल यू वन डैश, इसको आई कैन राइट इन दिस फॉर्म. डिटरमिनेंट में जब आप लिखेंगे तो वो ये बन जाएगा, सो इट इज होल स्क्वायर. सो यू गॉट नाउ एरिया. सो एरिया क्या होता है आपके पास, यू नो, अगर डैश में लिख रहा हूँ मैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा जी डैश डी यू वन डैश डी यू टू डैश, है ना, हमने फॉर्मूला निकाला था एरिया का.